अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी और यूनिक और डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने जो एक टमाटर था बड़े साइज़ का उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैंने एक जो बड़ी प्याज थी उसको मैंने बारीक सा काट लिया है, उसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और साथ में मक्खन डाला है। आप चाहे तो सारा इसको मक्खन में बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी शामिल किया इसी वजह से। ये एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, वैरायटी भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा बनता है। बेसिक चीज़ें ही हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और प्याज हल्का सा सॉटे करने के बाद मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। आप अगर ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये 2 अंडों की रेसिपी है और ये थोड़े सॉसी होते हैं, बिल्कुल खुश्क से नहीं होते, और ये 2 से 3 पर्सन ईजीली खा सकते हैं। इसके बाद हल्का सा सॉटे करने के बाद इनको मैंने टमाटर जो ब्लेंड किए हुए थे वो मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। टमाटर प्यूरे कह सकते हैं, ब्लेंडेड टमाटर्स। और थोड़ा सा पानी जब खुश्क होगा, हल्का सा बिल्कुल, इसमें मैं नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, सिर्फ 3 चीज़ें इसमें शामिल होंगी और इसमें कोई मसाला नहीं शामिल होगा। बात फ्रोज़न 2 कबाब लेने हैं, आप सॉसेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कबाब थे अवेलेबल सो मैंने कबाब लिए, उनको अनफ्रीज किया और उसको स्लाइस, ब्रीक ब्रीक जो स्लाइसेस हैं उनमें कट कर लिया, वो मैंने इसमें शामिल किए। देखिए जो पानी नज़र आ रहा है ना, इतना पानी ही इसमें होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। और इसके बाद 2 अंडे जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और अंडे डालने के बाद उनको फ़ौरन से मिक्स कर लेना है ताकि वो अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर होंगे ना वो अच्छे से ऑटोमेटिकली ऐसे ही मिक्स हो जाएँ और अच्छे से पक जाए। हमने इसमें अंडों का बिल्कुल कच्चापन हमें नहीं चाहिए, थोड़े से सॉसी होते हैं बस, अंडों का कच्चापन नहीं होता इसमें। ये देखिए हल्का हल्का सॉस है, और आपने अब देखना है कि अब इसमें चेडर चीज़ जो होती है, सॉरी मोज़रेला या चेडर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल हो आपके पास, अदरवाइज़ आई यूज़ चेडर चीज़। और उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, अब मैं इसको अच्छे से ऊपर से फैला दूँगी। आपने देखा बेसिक चीज़ें हैं इसमें, बेसिक जो है मसाले हैं, और फटाफट बनने वाली है और एक यूनिक रेसिपी है नाश्ते के लिए। इसको अब मैं ढाम के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। देखिए इतनी प्यारी लुक और टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये अंडों की रेसिपी बनी हुई है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर ऑरेगानो जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। इसको आप ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पराठा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे मैंने जो है वो टोस्टेड ब्रेड्स के साथ यूज़ की जाती है। वेल, अब चलते हैं उन चीज़ों की अनबॉक्सिंग की तरफ जो मैंने 1 पाउंड शॉप से ली थी। मैंने 1 पाउंड शॉप के बारे में बात की थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे इसके एड्रेस के बारे में पूछा है। मैं आप लोगों को बात क्लियर बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं थी, मैंने खुद के पैसे खर्च करके ये चीज़ें सारी बाय की थी। मैंने जैसे आपके साथ एक आइडिया शेयर किया था, एक न्यू आइडिया और एक न्यू प्लेस को शेयर किया था। खैर, मुझे डेकोरेशन के लिए ये 2 लैंप्स बहुत अच्छे लगे थे, आपने देखा था इसमें काफ़ी कलर्स थे, इसमें वाइट कलर भी था, रेड भी था, लेकिन मुझे ब्लैक जो है वो सबसे ही डिसेंट और ग्रेसफुल लग रहा था, सो इस वजह से मैंने ये वाला लिया है। और आगे आप चीज़ें देख लीजिए, मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगी घर के यूज़ के लिए, डेकोरेशन के लिए, इसलिए मैंने तकरीबन काफ़ी चीज़ें ली थी, मुझे इनकी ज़रूरत भी थी। और ये जो मिक्सिंग बाउल्स होते हैं, सीलिंग फिल्म ली थी मैंने, सीलिंग रैप जो होता है,
ये भी उसी प्राइस में आप कोई भी चीज़ बाय कर ले, सेम एक ही प्राइस थी। ये मैंने स्टोन्स लिए थे और ये शेल्स थे और ये टू मिक्सिंग बाउल्स थे, सेम उसी प्राइस में, 2-in-1 में, मीन 2 बाउल्स इन द सेम प्राइस। और ये बच्चों के लिए गेम्स थी, ये भी सेम प्राइस में। और ये गेम बहुत ही हैंडी और काफ़ी अच्छी हैं बच्चों के लिए। और ये मैंने एक ग्लास की ट्रे ली थी, मैं शेल्स और ये जो है मार्बल्स, ये जब मैं सेटिंग करूँगी ना इंशाल्लाह अपने डाइनिंग टेबल पे, आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि ये चीज़ें मैंने कहाँ यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। ये मैंने सेट लिया था स्प्रेडिंग नाइफ का, ये काफ़ी मुझे ज़रूरत भी थी इनकी और मुझे मिलती भी नहीं थी। ये नाइफ का सेट था, आपने पहले वीडियो में देख लिया, ये 4 सेट थी सेम प्राइस में, यू नो वो भी कैप वाली नाइफ्स 4 इंच द सेम प्राइस। तो एक नाइफ मैंने अपनी मामा को दे दी थी उधर ही, क्योंकि मुझे इतनी तो ज़रूरत नहीं थी, पैक मिल रहा था, सो आई बॉट इट। और इस इन सब चीज़ों में मैंने ज़्यादा डेकोरेशन की, आप देख सकते हैं मैंने डेकोरेशन की चीज़ें ली थी क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत थी। मुझे मेरे भाई ने एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया, जो मेरा छोटा भाई है ना उसको मैं लड्डू कहती हूँ, इसलिए कि वो बहुत स्वीट है और फ्रॉम द मतलब कि स्टार्ट डे फ्रॉम द चाइल्डहुड वो मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, बेस्टी है। तो उसने मेरे चैनल के लिए या मेरे एक प्रमोट के लिए या मुझे अच्छा विश करने के लिए उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था, वो भी उसने इधर से ही बाय किया था और मुझे बहुत पसंद आया था। ये छोटा सा फ्रेम था फ्रंट पे, ये भी बहुत अच्छा है और कैन यू बिलीव ये भी उसी सेम प्राइस में, कैलोग्राफी थी, काफ़ी डिफरेंट कलर्स थे। माई स्वीट लिटल ब्रो एंड अल्लाह हाफिज़।